खरगोन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मंगलवार को सभी सामाजिक संगठनों ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें खिलाड़ियों को नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़े रहने की बात पर जोर दिया गया। बता दें, खेल युवा कल्याण विभाग खिलाड़ियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर समय समय पर अभियान चलाकर जागरूकता लाने की कोशिशों में लगा है। ऐसे में नशा छोड़कर खिलाड़ियों को खेलों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान तारक पारकर ने खिलाड़ियों को बताया कि तंबाकू सेवन से कई बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है, जिसके सेवन से प्रतिवर्ष 13.5 लाख लोगों की मौत होती है। इसी बीच करीब कल्याण समिति ने टीआरपी परिसर से जागरूकता रथ को एसडीओपी रोहित अलावा ने नेतृत्व में हरी झंडी देकर रवाना किया। आपने जिले के नागरिकों को संदेश देना कि आप की तंबाकू से बचना है, तंबाकू से जो बचने से मुँह के कैंसर, फेफड़े के कैंसर और हार्ट अटैक, ये इससे अपन को मुक्ति मिलती है। यदि मान लो तंबाकू के सेवन से यदि मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसमें कैंसर होने के चांस रहते हैं, तो चूना रहता है, जल जाता है, तो इससे बचने के लिए तंबाकू को धीरे धीरे बंद करके उसे अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा लंग कैंसर होता है, हार्ट अटैक आते हैं, इसे बहुत सारी हमारे शासन मतलब मध्य प्रदेश शासन ने सभी पूरे जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू किए, एनसीडी क्लिनिक जो चल रही है उसमें वहाँ पे हमने सीएचओ का रखा है और वो उसको ये इस प्रकार की तंबाकू का सेवन करने वाले और बाकी हार्ट अटैक और के लिए बीपी शुगर ये सब कंट्रोल करने के लिए हमने सीएचओ को रखा हुआ है, वो यही काम करते हैं और इसके अवेयरनेस करते हैं कि तंबाकू से बचना है और कैंसर से बचना है। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर दौलत सिंह चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। हमारे भारत की बात करें तो प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, उससे कैंसर की बीमारी होती है। और आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि अब व्यक्ति तंबाकू को छोड़े, अपनी ज़िंदगी बचाए, अपने परिवार की ज़िंदगी बचाए और समाज को बचाए ताकि वो अपना स्वस्थ जीवन जी सके और तंबाकू से बचे। क्या नाम लिखा? के बी मंसारे। जैसा कि सभी को पता है कि तंबाकू सेवन से कई हानियाँ होती है, कई परिवार इसमें बर्बाद भी हो जाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जैसे कि विश्व तंबाकू निरोध दिवस भी है, तो इसमें हम ऐसे तो ये चूँकि एक दिवस ना होते हुए पूरे जो ये साल भर इस तरह के प्रयास किए जाते रहते हैं, तो हम इस बार जो कवि कल्याण समिति है इसने 31 तारीख को जो ये एक पहल शुरू करी है, काफ़ी सराहनीय पहल है, और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग तंबाकू से दूर रहे, इसके हानियाँ काफ़ी है और इसके फायदे बहुत कम। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।